Hello everyone, how are you? My name is Megha Sharma. I'm a lecturer of Electronic and Communication Engineering Department in Satyam College of Polytechnic, Udhad. Today I'm going to teach you an ACS subject and our topic is numerical. आज क्या है हम एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में न्यूमेरिकल करने वाले हैं. जो हमने प्रीवियस लेक्चर में मॉड्यूलेशन इंडेक्स किया था उसके रिलेटेड ही हम आज न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा अ ट्रांसमीटर सप्लायर 6 kW टू दी अयर अनमोडुलेटेड डिटर्मिन दी टोटल पावर ट्रांसमिटेड 1 modulated टू 40%. अब क्या है हमें उन्होंने ट्रांसमीटर सप्लाई है जो वो हमें दे दी है 6 kW. किलो की पावर आपको पता होती है 10^3 होती है. ठीक है, अब वो कहते हैं कि आपने डिटर्मिन करनी है टोटल पावर. ठीक है, और हमें जो मॉडुलेटेड है वो हमें दे दिया है ट्रांसमिटेड करने के लिए मॉडुलेटेड सिग्नल जो है वो हमें दे दिया 40%. अब इससे क्या है हम टोटल पावर फाइंड आउट करेंगे. अब आपको दिया हुआ एम हो गया आपकी 40%. अब उसको हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ, वो हो जाएगा 0.4. ठीक है, ये यही इसको डिवाइड करने के साथ ही आया है. देन हमें दे दिया पीसी दे दिया, वो हमें दे दिया 6 kW. अब आपको पता है किलो की पावर होती है 10^3. हमारे पास फॉर्मूला होता है पीटी, टोटल पावर का फॉर्मूला होता है पीसी आपका आएगा यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा 1 m² / 2. अब क्या है आपके पास सारी वैल्यूज हैं, पीसी की वैल्यू है आपके पास वो आप भर दोगे, एम की वैल्यू भी है आपके पास वो आप इस फॉर्मूला में फिलअप कर दोगे. ठीक है, हम देखते हैं. अब क्या है जो पीसी की वैल्यू थी वो आपकी क्या थी 6, ये है ना किलो को मैंने लिख दिया 10^3, 6 × 10^3 हो गया. ठीक है, फिर 1 m² की एम की वैल्यू को पता है 0.4 है, स्क्वेयर हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. अब क्या है ये 2 है, 2 को हमने एडजस्ट कर दिया इसके साथ, जब ये वाला 2 इधर चला गया ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो गया 1 × 2 क्या हो गया 2 प्लस. अब ये स्क्वेयर मैंने खोल दिया मल्टीप्लाई कर दिया आपस में वो हो गया 0.16. ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारी. अब क्या है जो आपका ये 6 था, 6 को मैंने क्या कर दिया अंदर एडजस्ट कर दिया, जब 6 एडजस्ट हुआ 6 × 2 हो गया आपका 12. अब 6 ने जो आपका 6 है 0.16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा वो हो जाएगा 0.1. अब क्या हम करेंगे, अब हम इनको प्लस कर देंगे ये दोनों जो भी आपकी चीज़ है 12 + 0.96 को हमने प्लस कर दिया, उसके बाद जो है हमारी वैल्यू ये आ गई. ठीक है, अब क्या है इसको सर हम डिवाइड करेंगे. डिवाइड किया जब हमने 12 × 96 को जब हमने डिवाइड किया 2 के साथ तो हमारे पास आ जाती है 6.96 रेंज. ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई. जो आपका 3 था 10^3 था उसको हमने एडजस्ट नहीं भी ना भी करें तो भी चलेगा, वो हम उसको लिख सकते हैं. जो हमारी रेंज आ गई 6.96 kW में, ये हमारा क्या है रिजल्ट फाइंड आउट होगा. कुछ नहीं करना आपको, सब कुछ दिया हुआ है, जैसे आपने टोटल पावर निकालनी है और जो भी आपको पीसी भी दिया हो उसमें फिल आउट कर देना है, एम भी दिया है आपने इसमें एक भर देना और आपकी रेंज निकल आएगी. नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, इसमें भी सेम ही है. इसमें क्या दे दिया, उसमें आपको दिया था 6 kW, इसमें दे दिया आपको 8 kW और इसमें मॉड्युलेटिंग जो हमारा था मॉड्युलेटिंग सिग्नल वो क्या था 40%, यहाँ पे हमें दे दिया 30%. वैसे ही आपने फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब हम फॉर्मूला में आते हैं. फॉर्मूला सीधा देखिए आप. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला. अब क्या है पीसी की वैल्यू हमें पता है क्या होगी 8 × 10^3. अगर आप किलो भी लिख सकते हो सीधा किलो लिख दो. ठीक है, आप नहीं एडजस्ट करना चाहते सीधा किलो भी लिख सकते हो. ठीक है, नहीं तो आप लिख दो 10^3. ठीक है, एंड में जब आप कर लिख सकते हो रिजल्ट को. ठीक है, अब क्या है, अब ये वैसे ही 2 इधर एडजस्ट हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा हो गया 0.09. ठीक है, अपॉन वो क्या हो गया एडजस्ट, अब 8 × 2 हो गया आपका 16, 8 × 0.09 हो गया 0.72. ठीक है, ऐसे ही फिर ये 16 + 0.72 को जब आपने प्लस किया वो बन जाएंगे 16.72. ठीक है, ये चीज़ आ गई. फिर क्या है हम उसको डिवाइड कर देते हैं. जब हमने डिवाइड कर दिया, जब आपका ये चीज़ डिवाइड हो गई तो आपका डिवाइड के बाद आ गया आंसर ये 8.36 kW में आपका आंसर आ गया. ये आज के हमारे न्यूमेरिकल्स से, ये जो दो आगे देखिए, ये जो आपके दो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपने सॉल्व करने हैं. ठीक है,
कुछ भी डाउट आता है पूछ लीजिएगा, बहुत इजी है, एग्ज़ाम में आ जाते हैं आपको टोटल पावर निकालने के लिए, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।